जगतसिंहपुर जिले में प्रस्तावित जेएसडब्ल्यू स्टील प्लांट पर पानी चिंता प्रकल्प को महानदी और बैतरणी आवश्यक पा जोगाइबा संभव नुहे सरकार को अवगत कर जल संपद विभाग जहां अड़ुआ बढ़ी जो अंचल पोस्को प्रकल्प होवार अंचल ही जेएसडब्ल्यू स्टील प्लांट करने नहीं प्रक्रिया आरंभ हो सारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट महानदी उपर मुंडरे ब्यारेज निर्माण महानदी में पा कम आशंका एपटे शिल्प को पा जोगाइबा नहीं चिंतार सरकार विशेषकर जगत सिंहपुर जिला पारादीप ठारे प्रस्तावित जेएसडब्ल्यू रो स्टील प्लांट को सरकार पा केमी जोगाइबे से नहीं एवं अड़ुआ जेएसडब्ल्यू पर घंटा प्रति महानदी 12,000 क्यूबिक मीटर एवं बैतरणी घंटा को 4,000 क्यूबिक मीटर जल आवश्यक तेज एक क्षेत्र में जेएसडब्ल्यू को पानी देवा संभवपर नुहे सरकार को अवगत कर जल संपद विभाग कहएसडब्ल्यू जोब्रा ब्रिज्रु घंटा को 12,000 क्यूबिक मीटर पानी देवा ग्रहणीय होबना तेज पस्को चुक्ति भली तारापुर ठारे प्रस्तावित पीसीपीआईआर प्रकल्प पर जो रिजर्वर निर्माण हो जेएसडब्ल्यू सामिल हेले पानी दि जाए परामर्श दी तेज केन्दुझर ठारे कानपुर ड्यम्रु कंपानी को पानी देवा संभव नुहे सरकार को अवगत कर जल संपद विभाग जेएसडब्ल्यू को पानी देले पानी जल और कृषि प्रभावित हो बोली विभाग जदि कानपुर ब्यारेज रु अफस्ट्रीम रे पानी दिया जाए ताहले कानपुर ब्यारेज को पानी आसीबोने एवं कानपुर ब्यारेजटा अकामी होइजिवो आवश्यकता नुह पड़िबो नै आ कानपुर ब्यारेज तयार करिया पय कने सेठी पानी आसीबो नै सो ए दुटा कारण नैकरी सरकार बर्तमान चिंतार अछंती किंतु कानपुर निश्चित भाव रे तांग पय बहुत बड़ असुविधा हबो पानी देबा पय राज्य सरकार पय असुविधा हबो एवं जेएसडब्ल्यू से पानी पाइबार भी असुविधा हबो पारादीप रे प्रस्तावित मेगा स्टील प्लांट पय पानी समस्या हेले प्रकल्प हेबा सहज हबो नै सेहीपरि जेएसडब्ल्यू स्लोरी पाइपलाइन निर्माण करिबा मध्य अड़ुआ हो पारे गोटे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट धरतु 10 मिलियन टन प्लांट आम तीन टा जिनस दरकार मेन हूँ आयरन ओर र मेटेरियल जोटा वाटर आप लैंड तीन टा जिनस तीन टा जिनस जदि समन्वय न हो पारा तो कई इनवेस्टमेंट करने राजी हेनी ये तीन टा तो एश्योर करने कथा राज्य सरकार पोस्को स्थान में जेएसडब्ल्यू प्लांट पर राज्य सरकार हाई लेवल कमिटी अनुमोदन मिल सारी कंपनी 10 मिलियन टन मेगा स्टील प्लांट कर 50,000 कोटी टंकार पुंजनिवेश कर भुवनेश्वर कैमरामैन संजीव सुरेन्द्र बारिक और थबीर सामल ईटीवी न्यूज।